जहां जीवाजी विश्वविद्यालय का नया कारनामा सामने आया है। साइंस कॉलेज में परीक्षा की तारीख से पहले ही पेपर खोल दिया गया। 18 मार्च से जीवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होनी थी और 15 मार्च को घोषित की गई थी परीक्षा की नई तारीख। नई तारीखों की जानकारी नहीं थी कॉलेज प्रशासन ने कहा, और परीक्षा की नई तारीख 27 और 30 मार्च को आई थी और पेपर खुलने की खबर से अब हड़कंप मच गया, जिसके बाद एक बार फिर से परीक्षा को टाल दिया गया है। तो बड़ी खबर ये जीवाजी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जहां पर आपको बता दें कि 15 मार्च को घोषित की गई थी परीक्षा की नई तारीख और कॉलेज प्रशासन का कहना है कि नई तारीखों की जानकारी नहीं थी। तो परीक्षा की नई तारीख 27 और 30 मार्च आई थी, पेपर खुलने की खबर से अब हड़कंप मचा है और एक बार फिर से परीक्षा को टाल दिया गया है। हालांकि अब इंतजार करना होगा कि नई तारीख क्या होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पेपर परीक्षा से पहले कैसे खुल गया। तो पहले तो देखिए 18 मार्च से ये परीक्षाएं आयोजित होनी थी, तारीख तय थी, लेकिन उसके बाद इन तारीखों को बदल दिया गया था। लेकिन आप देखिए कि कॉलेज प्रशासन का ये कहना है कि तारीखों के बारे में उसे जानकारी ही नहीं थी। तो परीक्षा की नई तारीख की अगर बात की जाए तो 27 और 30 मार्च जो है नई तारीख तय की गई थी, और नई तारीखों के मुताबिक अगर देखा जाए तो आज 27 मार्च परीक्षाएँ होनी थी। लेकिन ये देखिए कि पेपर जो है परीक्षाओं से पहले ही खुल गया, और इसकी सूचना शाम को हमारे यहाँ नहीं ओपन हो पाई। जब वो आई थी मतलब तब तक कार्यालय बंद हो चुका था। 16 और 17 तारीख को दोनों का शासकीय अवकाश था। 18 तारीख को सुबह हम जब मेल देखते हैं तो 18 तारीख को हमारे यहाँ करीब 10 बजे से लेकर के और 10 बजे से बल्कि पहले से ही लाइट की कटौती थी और वो 2 बजे लाइट हमारे यहाँ आई। तो उस बीच में हम कोई नेट और उसका व्यवस्था नहीं कर पाए और हमारे यहाँ पेपर उसका खुल गया। जब हमारे संज्ञान में 2 बजे लाइट आने के बाद ये सब आया तो हमने उसको तत्काल रुकवाया, कट चुका था पेपर, और विश्वविद्यालय को इसकी सूचना दे दी, मतलब मौखिक भी दी और लिखित में भी दी। पेपर जो पहले खुल गया उसका जो कुलपति जी के और विश्वविद्यालय प्रबंधन के संज्ञान में मामला आ गया है। इस मामले को लेकर एक साइंस कॉलेज को स्पष्टीकरण देने हेतु नोटिस जारी किया गया है, और उसमें जैसे जब उसका स्पष्टीकरण का जवाब आ जाएगा तो उस पर एक कुलपति जी इसको संज्ञान में लेके उसमें देखेंगे कि उन्होंने किस किन हालातों में किन कारणों से ये पेपर पहले खुला हुआ है, उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद अगर कुछ बनता है और कुछ ऐसा संज्ञान में आता है तो उसकी जांच कमेटी बनाकर प्रॉपर उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी उसमें निर्णय होगा वो बाद में पता चलेगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। देव जी देखिए आखिर ये पूरा मामला क्या है, परीक्षा की तारीख आती है, पेपर होने से पहले ही पेपर खुल जाता और एक बार फिर से परीक्षा को टाल दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण तो है लेकिन बड़ा ही एक अजीब तरह का मामला है। वीवॉक एक एग्जाम होता है, वीवॉक में जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट रहता है और जो वेटनरी का जो रहता है उसका भी एक पार्ट रहता है। इसके सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम पिछली 18 तारीख को होना था लेकिन 15 तारीख को जीवाजी विश्वविद्यालय ने उस परीक्षा को स्थगित कर दिया और 27 और 30 तारीख के लिए उसकी तारीखें तय कर दी। इसका एग्जाम होना था साइंस कॉलेज में। अब साइंस कॉलेज में किसी ने इसको स्थगित करने की ना तो परवाह की और ना ही विश्वविद्यालय ने ये देखा कि जहां एग्जाम होना है, जहां पेपर रखे हैं, जहां पूरे संभाग वर्ष स्टूडेंट पहुंचना है, वो वहां इसकी सूचना पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो दोनों ने ही लापरवाही दिखाई और 18 तारीख को एग्जाम के समय उन्होंने पेपर खोल दिया और यानी वो पेपर लीक हो गया। जो पेपर आज मतलब 27 तारीख को होना था और फिर 30 तारीख को होना था, वो दोनों पेपर वहां लीक हो गए। उसके बाद उन लोगों ने वहां जब तक प्रिंसिपल ने मेल चेक किया तो पता लगा कि ये एग्जाम पड़ गया है, फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी को इसकी सूचना दी। इसमें स्टूडेंट परेशान हो गए और पेपर भी नहीं हो पाया उनका और पेपर स्थगित भी हो गया। फिर यूनिवर्सिटी को जब सूचना मिली तो यूनिवर्सिटी ने उस पेपर को जो 27 को आज होने वाला था और 30 तारीख को होने वाला था फिर उसको स्थगित कर दिया। अब ये पेपर कब होगा किसी को नहीं पता है। यूनिवर्सिटी कह रही है हम मामले की जांच कराएंगे, जबकि अगर हम साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल का इंटरव्यू देखें जो एनडीटीवी ने अभी दिखाया है तो वो बड़ी हास्यास्पद बात कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि 15 मार्च को ये पेपर स्थगित किया गया था लेकिन 16 और 17 मार्च की छुट्टी थी, 18 मार्च को
लाइट नहीं थी उनके यहाँ, तो वो तब तक देख ही नहीं पाए, तब तक पेपर जो है कट हो गया लिफाफा, और उसके बाद जब उन्होंने देखा तो इसकी सूचना दे दी। अब इसमें दोनों तरफ से जो यूनिवर्सिटी की गलती हो या साइंस कॉलेज की गलती हो, दोनों तरफ से पिस तो आखिर स्टूडेंट ही रहे हैं, क्योंकि वो परीक्षाओं से वंचित हो गए हैं। अभी आज भी हमने पता किया तो नई तारीख परीक्षाओं की अभी तक कोई तय नहीं हो पाई है, और अभी फिलहाल कम से कम बताएं आपको कि कम से कम 4 जून तक ये तय होने की संभावना इसलिए नहीं है कि पूरे देश में लोकसभा के लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है और धीरे धीरे अब ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ग्वालियर में जो चौथे चरण में मतदान होना है, 17 मई को 12 मई को मतदान है, तो 12 मई तक तो वैसे भी संभव नहीं है, और फिर उसके बाद भी परीक्षा में एग्जाम में जो लोग काम करते हैं उन सबकी ड्यूटी लगी हुई है इलेक्शन में, तो जब इलेक्शन से 4 जून को ये लोग फ्री होंगे उसके बाद ही उनकी परीक्षा हो पाएगी, यानी बच्चे जो पास होके अपनी नौकरी की तलाश में जा सकते थे अभी कम से कम 4-5 महीने के लिए उनका भविष्य फिर अधर में लटक गया है। जी देव जी, एक सवाल मेरा ये था, जैसा कि जानकारी है कि 27 और 30 मार्च जो है परीक्षा की तारीखें आई थी, यानी कि आज भी परीक्षा होनी थी, क्या इस बारे में बच्चों को जानकारी दे दी गई थी? अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जिस कॉलेज में जिस सेंटर पर परीक्षा होनी थी जब वहीं से तो सूचना मिलती है, जब उनको ही सूचना नहीं थी तो बच्चों को सूचना कहाँ दी जाती, तो इसलिए उस दिन बच्चे पहुंच भी गए थे। अब कहा तो ये जाता है कि कुछ बच्चे परीक्षा हॉल में भी पहुंच गए थे और पेपर भी बट गया था, हालांकि कॉलेज का जो प्रशासन है उसने इस बात से मना किया, उनका कहना यह था कि केवल लिफाफा खुला था और तब तक उन लोगों ने मेल चेक कर लिया तो परीक्षा को वहीं रोक दिया और विश्वविद्यालय को सूचना दी, लेकिन उस समय कुछ बच्चे पहुंच गए थे जिनको सूचना नहीं मिल पाई थी, जिनको सूचना मिल गई थी अपने स्तर पर, क्योंकि इसमें पूरे ग्वालियर चंबल संभाग से के कॉलेज जुड़े हुए हैं और जगह जगह से बच्चे परीक्षा देने के लिए एक ही सेंटर पे आते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, हर जगह इसकी परीक्षा नहीं होती है, सिर्फ साइंस कॉलेज में इसकी परीक्षा होना थी बी वॉक की, लेकिन वहां भी ये परीक्षा समय पर नहीं हो पाई। देव जी, प्रिंसिपल का जो तर्क है ये भी चौंकाने वाला है कि 2 दिन छुट्टी थी, उनको जानकारी नहीं मिल पाई और इसलिए पेपर कट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, न केवल चौंकाने वाला बल्कि हास्यास्पद भी है कि आज के हाईटेक जमाने में उनका तर्क ये है कि 2 दिन तक स्कूल कॉलेज की छुट्टी थी, एग्जाम से बड़ा शिक्षा विभाग के लिए कौन सा काम होता है, और एग्जाम में छुट्टी हो या कुछ भी हो उनको अगर मेल चेक करने की भी फुर्सत नहीं, तो आजकल मोबाइल पर भी हो जाते हैं, तो फिर क्या कहेंगे। फिर उनका दूसरा तर्क सुनिए कि जिस दिन 18 तारीख को पेपर होना था उस दिन उनके यहाँ पावर कट था, इसलिए मोबाइल इसलिए जो है जो कंप्यूटर थे वो ऑन नहीं हो सके। आज के जमाने में हर जगह पावर के लिए वैकल्पिक बैकअप रहता है, और अगर नहीं है तो ये और भी चौंकाने वाली बात है कि इतने बड़े कॉलेज में, जो ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है, वहाँ अपना कोई बैटरी बैकअप ही नहीं है, तो अगर अचानक लाइट चली जाती है तो पता लगा कि लेबोरेटरी में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, साइंस कॉलेज है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब है वहाँ, तो वहाँ तो एकदम अफरा तफरी ही मच जाएगी, क्योंकि कुछ गलत भी हो सकता है, गैसों का आपस में सम्मिश्रण किया जाता है, अगर इधर का उधर हो जाए तो बच्चों के जीवन पर बने आएगी, लेकिन वहाँ लाइट चली गई तो एग्जाम ही नहीं हो पाए। जी तो चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि परीक्षाओं की नई तारीखें कब तक आती है, क्योंकि ये जो परीक्षा टली है यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों की बात की जाए तो उनका भविष्य जो है कहीं ना कहीं अधर में यहाँ पर लटका हुआ नजर आएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी अब नजदीक है। नजरें बनाए रखिएगा देव जी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।